वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 23 मार्च 2021, एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि RSS के नए जनरल सेक्रेटरी कौन बने हैं? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नए जनरल सेक्रेटरी बने हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका करेक्ट होगा डी, दत्तात्रेय होसबोले। दत्तात्रेय होसबोले बने हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए जनरल सेक्रेटरी। और इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने सुरेश जोशी की जगह यहां पर ली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरीवन। RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी। मुख्यालय है नागपुर में और संस्थापक थे इसके KP हेडगेवर। लीडर है यहां पर मोहन भागवत, जो सह कार्यकर्ता है यानी कि जो महासचिव है वो है दत्तात्रेय होसबोले। टॉप पार्टी, 5 पार्टियों के अध्यक्ष के बारे में बात करें, बीजेपी इनके हैं JP नड्डा, बहुजन समाज पार्टी जो है मायावती, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है सोनिया गांधी, नेशनल पीपुल पार्टी की है कॉनराड संगमा, आम आदमी पार्टी के यहां पर अरविंद केजरीवाल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एनीमिया और कुष्ठ रोग से निपटने के लिए समर अभियान को शुरू किया है? समर अभियान जो है ये शुरू किया गया है झारखंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। झारखंड की सरकार ने एनीमिया और कुष्ठ रोग से निपटने के लिए समर अभियान लॉन्च किया है। समर का पूर्ण रूप होता है यहां पर स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मल्टी न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, यानी कि एनीमिया जो डिजीज है वो किसके कारण से होती है? खून की कमी के कारण, ठीक है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य एनीमिया से ग्रसित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करना, राज्य में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना ताकि राज्य में कुष्ठ रोग की समस्या को खत्म किया जा सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। झारखंड की बात की जाए, झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी है रांची। अगर हम यहां पर बात करें गवर्नर के बारे में तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश का नाम है रवि रंजन। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य भी हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। झारखंड की लोकसभा सीट है यहाँ पर 14, राज्यसभा सीट है यहाँ पर 6, विधानसभा सीट है यहाँ पर 81। कर्क रेखा भारत के झारखंड राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चमेली देवी पुरस्कार से 20 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर करेक्ट होगा ए, नीतू सिंह को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एवरीवन, नीतू सिंह को सम्मानित किया गया है चमेली देवी पुरस्कार। द मीडिया फाउंडेशन ने वर्ष 2020 के लिए उत्कृष्ट महिला पत्रकार की श्रेणी में वरिष्ठ संवाददाता नीतू सिंह को चमेली देवी पुरस्कार से सम्मानित किया है। नीतू सिंह को यह पुरस्कार यौन हिंसा के संबंधित 2020 में प्रकाशित उनकी खबरों के लिए दिया गया है। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को शुरू किया है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना डी, बी आपका करेक्ट होगा। राजस्थान के द्वारा शुरू की गई यह योजना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। इन्होंने घोषणा की है कि बहु प्रतीक्षित सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना, जिसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कहा जाता है, शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत राजस्थान के सभी परिवार को एक कौशल लेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी और परिवार को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एवरीवन। राजस्थान के बारे में बात की जाए, राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी से आते हैं। गवर्नर हैं कालराज मिश्र। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य भी हैं MP, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब।
अगर हम राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान की लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा की सीटें हैं 10, विधानसभा की हैं 200 सीटें। भारत का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो है थार का रेगिस्तान, जो कि भारत के पश्चिमी भाग के अंदर देखने को मिलता है, और ये राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा विस्तार जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एवरीवन। इसके अलावा कर्क रेखा राजस्थान को होकर काटती हुई जाती है, क्योंकि राजस्थान के दो स्टेट, एक तो राजस्थान में यहाँ पर डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा, इन दोनों को कट करती हुई जाती है। यहाँ पर दो डिस्ट्रिक्ट को कट करती हुई जाती है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम को भी ये कट करती हुई जाती है। टॉप 5 योजनाओं के बारे में बात की जाए, गोधन न्याय योजना है छत्तीसगढ़ की, इंदिरा रसोई योजना है राजस्थान की, दीदी वाहिनी सेवा योजना है एमपी की, सुपोषित मां अभियान है राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है, किसान मित्र योजना को हरियाणा की सरकार ने शुरू किया है, विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस जो है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया गया है, ये मनाया गया है 20 मार्च को। विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस अच्छे मुख्य स्वास्थ्य लाभों को उजागर करने और मुख्य रोगों के बारे में जागरूकता और मौखिक स्वच्छता के रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम है, यहाँ पर 2021 की थीम है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। हरियाणा ने झारखंड को 4-3 से हराकर 11वीं हॉकी इंडियन सब जूनियर विमेन नेशनल 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश की टीम उड़ीसा को हराकर तीसरे नंबर पर रही है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद का निर्देशक और मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मिश्रा को। अगर हम ICRIER की बात करें, यहाँ पर इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, निर्देशक इसके हैं डॉक्टर रजत कपूथिया और कथुरिया, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थापना अगस्त 1981 में हुई थी। अध्यक्ष है प्रमोद बशीर और निर्देशक हैं दीपक मिश्रा। किस देश में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म को बनाया गया है? तो फ्लोटिंग यहां पर सोलर फार्म की बात करें, सिंगापुर में। दुनिया में सबसे बड़ा फ्लोटिंग और फॉर्म सिंगापुर में बनाया जा रहा है, और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को पूरा करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने में कटौती करने के लिए इस फ्लोटिंग और फार्म का निर्माण किया जा रहा है। यह फ्लोटिंग सब कार्प इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। सिंगापुर की बात की जाए, सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। सिंगापुर के प्रधानमंत्री है ली शिन लूंग। विश्व का सबसे बड़ा जो है यहां पर, जैसे कि अगर हम बात करें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, सबसे बड़ा नहर स्वेज नहर। UNCTAD द्वारा जारी वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितनी रहने का अनुमान लगाया है? 5%। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे, तो यहां पर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, स्थापना 30 दिसंबर 1964 में हुई थी, मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और सेक्रेटरी जनरल है मुखीसा कितुई। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले अफगानिस्तानी खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं डी हसमतुल्ला हदीदी। अफगानिस्तान के हसमतुल्ला हदीदी टेस्ट क्रिकेट में अबू धाबी में जिम्बाब्वे के खिलाफ दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। विश्व में क्रिकेट मैच ICC रेगुलेट करता है। ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी, मुख्यालय है दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात में है, और
अध्यक्ष हैं ग्रेगर बार्कले, सीईओ है मनु साहनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। देखो अगर आप लोग लाइक करते हैं शेयर करते हैं तो डेफिनेटली इससे जो मेरी मोटिवेशन है ना वो बढ़ता है, और आपका प्यार हमेशा मिलता रहना चाहिए क्योंकि आपके प्यार के बगैर हम कुछ नहीं है। तो जरूर अपना प्यार को हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, और थैंक यू एवरीवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे इस तरीके से जुड़ते हैं। डेली बेसिस पे हम आपके लिए जो वीडियोस हैं वो यहाँ पर बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन एंड बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।